गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस बेटी स्कूल जा चुकी थी और बस नीचे से आई थी और आज बेटा काफ़ी टाइम तक सो रहा था। मैंने बोला चलो सो ही लो, मैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही बनाने वाली हूँ, और क्योंकि गरम गरम कौन ही खाता, अभी तो कोई भी नहीं खा रहा है, मैं ही खाती हूँ जो भी बनाती हूँ। उसके बाद तो बच्चे अपने टाइम से उठते हैं, अपने समय में ही खाते। तो जितनी भी सब्जियों की ज़रूरत है सारा का सारा एक सोपे पे निकाल लिया है। ये वाला छुट्टू वाला सूप आजकल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस वही। और यहाँ एप्पल रखा हुआ था बास्केट में जिसमें बर्तन धो के रखती हूँ, तो उसी को धो करके खा रही थी। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और टाइम भी हो चुका था नाश्ते का, और क्योंकि बेटा उठा नहीं था तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी बनाया नहीं, और बेटी तो ब्रेड जैम लेके चली गई थी। तो यहाँ पे अपना सीरियल भी देख रही थी और साथ में सब्जियाँ वगैरह भी कट कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, मन लगा रहता है किचन में कि हाँ चलो कोई बातें करने वाला नहीं है तो कम से कम सीरियल देख के ही काम चला लो। तो बस यहाँ पे सीरियल लगा लिया था अपना, और बैठ के तो देखने का कभी टाइम मिलता है नहीं, तो क्या करती हूँ किचन में ही लगा लिया सीरियल। अपना खाना भी बन रहा है इधर और सीरियल भी देख लिया, अलग से बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है, किचन में काम करते करते ही देख लिया। तो एकदम आंखें गड़ा करके नहीं देखती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ कि हाँ क्या हुआ है सीरियल में, थोड़े मोड़े उसके देख लिए सीन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बस। तो यहाँ सारी सब्जियाँ मैंने ऑलमोस्ट काट ली थी, छील ली थी, कट नहीं करी थी, मतलब छील के अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद कुछ बर्तन बचे हुए थे उनको अच्छे से साफ़ कर लिया, दूध वगैरह के बर्तन रह जाते हैं रात वाले, तो वो इतने दो बर्तन फिर नहीं धोती हूँ, सुबह ही धोती हूँ, बोले बार बार कौन हाथ पानी लगाए हाथों में। तो उसके बाद बस यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया है बढ़िया से, और बस आज बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी थोड़े अलग स्टाइल में, और ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे निकाल ली थी बड़ी, तो बड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे, कई लोग जानते हैं, ये तो मेरी घर वाली बड़ी है, मम्मी बनाती हैं वही देती हैं, तो दो तीन तरह की बनाती हैं। तो इस बार ये क्या बोलते हैं इसको, बड़ी डालने वाला एक कद्दू आता है ना, उसका बनाया था मम्मी ने, तो वो वाला अच्छा लगता है कभी कभी, एक अक्सर ये दाल के साथ या मसालेदार बनाया जाता है। तो आज मैंने लौकी के साथ ट्राई किया, मैंने बोला कि कौन मसाला बनाए, चलो लौकी में डाल के खा के देखते हैं कैसा लगेगा। तो बस यहाँ हल्का सा कढ़ाई में डाल दिया था तेल और हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है बड़ियों को, इसको हल्का भून के ही बनाते हैं तभी अच्छा बढ़िया सा टेस्ट आता है, क्रिस्पी सा और सोंधा सोंधा सा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैंने कभी बिना भूने नहीं बनाया, हमेशा देखा ये कि हल्का सा इसको मम्मी तेल डाल के भून के निकाल लेती हैं तवे में या कढ़ाई में। तो यहाँ जितनी भी लौकी थी, और लौकी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी मेरे पास नवरात्रि में लेके आई थी, पर इतनी ज़्यादा यूज़ हुई नहीं है, इतना सारा कौन खाता लौकी, तो बस वही सारी लौकी मैंने आज यूज़ करी है, और एक बची हुई भी है उसको भी किसी दिन यूज़ कर लूँगी, कुछ बना ही लूँगी उसका या पकौड़े वगैरह बना लूँगी तो बच्चे खा लेंगे। तो अभी तो बस बढ़िया अच्छे से हो गई थी फ्राई, उसके बाद थोड़ा सा और तेल डाला था, और इसके बाद बस इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा और एक सूखी लाल मिर्च डाली थी तड़के के लिए, और इसमें डाला है प्याज और अदरक लहसुन थोड़ी सी कूट ली थी, बस इसको भी अच्छे से फ्राई कर देना है। और उसके बाद डाल दिया है इसमें टमाटर, तो ये ना वो सैलेट वाले टमाटर थे तो वो डाला था, ये गलने में टाइम लगा था। इसके बाद इसमें डाल दी थी हल्दी, और इसमें डाल दिया था थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, और उसके बाद लौकी डाल दी थी सारी की सारी, और ये बड़ी भी अभी डाल दी है क्योंकि ये लौकी अपना पानी छोड़ेगी तो इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है इन बड़ियों को पकने के लिए। तो क्या है जब ये लौकी पकेगी तो वैसे ही ये पकता रहेगा धीरे धीरे बड़ी भी। और इधर बस सोचा बेटा उठने वाला, इसके पहले उसका नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ले ली थी 4 स्लाइस ब्रेड ले ली थी, और उसके किनारे के जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उस सबको कट कर दिया था क्योंकि वो अक्सर छोड़ ही देता है प्लेट में, तो उसको हटा ही देती हूँ। पता नहीं लोगों को क्या है, बिल्कुल अंग्रेज बने पड़े हैं, किनारे का खाएंगे नहीं, बीच बीच का वाइट वाइट खाएंगे, तो बस वही। तो यहाँ पे ब्रेड जैम तैयार कर दिया है, दो दो स्लाइसेस कट कर दिए हैं, तो उसका आराम से इसमें हो जाएगा नाश्ता, और जो ये बचे हुए हैं ना इसके ब्राउन वाले पार्ट, इससे मेरा नाश्ता हो जाएगा। तो क्या करने वाली हूँ, बस मेरे दिमाग में आइडिया सूझा कि ज़्यादा मुझे ब्रेड तो खाने नहीं, किनारे वाला पार्ट तो खा ही सकती हूँ, पर इसी क्वांटिटी कैसी बढ़ाई, क्योंकि इतने में तो मेरा नाश्ता होने वाला नहीं है,
तो बस यहाँ चढ़ा दी थी कढ़ाई, इसमें डाल दिया था थोड़ा सा मैंने कट करके लंबी लंबी सी प्याज कट कर ली थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कट कर ली है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी वगैरह कट करके रखा है। और आलू जो देख रहे हो ना, आलू नहीं जाने वाला है, मैंने भिंडी कट करी है ना, तो इसके इसी कढ़ाई में लास्ट में भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसमें डाल दिया है थोड़ी सी काली मिर्च, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, काली मिर्च भी डाल लो, बड़ा बढ़िया सा टेस्ट आता है, एक अच्छा सा सैलेड बन के तैयार हो जाता है ब्रेड का। तो बस इसे अच्छे से पका लेना है, इसके बाद डाल दूंगी इसमें और थोड़ा सा नमक ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी गल जाए, ज़्यादा गलानी नहीं है इसको, बस 30% तक ही कुक करना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम में भी पका सकते हैं, बस क्रंची रहनी चाहिए सब्जियाँ। तो बस यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है और इसमें बीन्स भी डाली थी मैंने, बरबटी डाली थी एक्चुअली। और इसके बाद कढ़ाई खाली करके इसमें हल्का सा घी डाल करके ये ब्रेड के जो साइड वाला था ना, इनको भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि अच्छे क्रंची क्रंची से हो जाए और ये बहुत बढ़िया लग रहे थे खाने में। आप चाहो तो इस तरह से फ्राई करके आप कैचअप वगैरह के साथ भी खा सकते हो। तो बस यहाँ मेरा लंच रेडी हो गया है, सॉरी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और उसी कढ़ाई में बना दूँगी भिंडी की सब्जी। तो बहुत ही सिंपल सी बना रही थी, ज़्यादा मतलब ऐसे बिना तामझाम वाली, और बच्चों को ही खानी थी। और इसमें प्याज हल्की से डालूंगी, आलू डालूंगी और इसमें कोई भी मिर्ची वगैरह नहीं डालना था मुझे, और थोड़ा सा लहसुन कट करके डाल दूंगी। इतना ही अच्छा लगता है मुझे भिंडी के भुजा में, इतनी ही सिंपल बनाती हूँ। और बस प्याज के साथ ही हमेशा डाल देती हूँ मैं। यहाँ पर आलू कट करके डाल दिए थे और इसे भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है, और प्याज और आलू एक साथ ही भुन जाएगा, बढ़िया सा ब्राउन सा हो जाएगा। आस्ता तो मेरा मस्त वाला रेडी हो चुका है, बेटे का भी रेडी कर रहा है, पर आज इनकी नींद ही नहीं खुल रही है, ये सो रहे हैं। और इधर ऑलमोस्ट पकने वाली है मेरी लौकी की सब्जी, और इसमें डालूंगी बस थोड़ा सा नमक। और इधर भिंडी की सब्जी तैयार हो रही है, तो दो तरह की सब्जी बनाई है। और कोई रोटी वगैरह अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बेटे का नाश्ता तो हो ही जाएगा, फिर फटाफट से क्लीन कर लेना है चूल्हा, आटा लगा के रख दूंगी, फिर जब बच्चे आए बेटी आएगी स्कूल में तब गरम गरम पराठे बनेंगे। और फिर चावल का देखते हैं, लगेगा तो ठीक है, नहीं तो शाम को ही बनने वाला है। तो फिलहाल मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ। ये वाला नाश्ता ना बहुत हल्का फुल्का और बहुत अच्छा होता है और पेट भी काफ़ी टाइम तक फुल रहा है। उठ गया, नाश्ता करना है, मिल गया बेबी, कहाँ है बेबी? तो ये मेरे बेटे का बेबी है जिसे ले करके रात में सोता है, थोड़ा मोड़ा भी गायब हो जाए तो रात में उठ उठ के मांगता है इस बेबी को। इसका नाम क्या है ईशु? क्या है इसका नाम? आपके बेबी का नाम क्या है बताओ? आपके बेबी का नाम पेपा पिक। ये नाश्ता रेडी है, ले लो खाओ। ये वाला है आपका, ये मेरा है, ये आप नहीं खा पाओगे। आप ही लोगे? ठीक है, खा के देखो। पियो नहीं तो टीवी बंद कर देंगे। यहाँ बैठ के पियो को बिछाना है, ये बिछाऊंगी। और बेटे को दूध देने के बाद यहाँ पे कुशन्स कवर वगैरह अच्छे से सेट कर रही थी। एक्चुअली क्या था कि ये सोफ़े का कवर है ना, वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो एक साइड का ही मैंने क्लीन किया था और उसे अच्छे से सेट करके लगा दिया है। काउच के भी लोड कवर निकाल रही थी। और बेटे ने क्या हुआ था कि पराठा खाया हुआ था और सारा जैम इसमें लगा दिया था, तो वही निकाल रही थी। ज़्यादा नहीं लगा था, हल्का हल्का सा लगा दिया था, तो मैंने सोचा चलो धो ही देती हूँ, नहीं तो अजीब सा ही दिखता है और
अपने भी मन में अजीब सा लगता है कि अरे गंदी चीज़ें लगी हुई हैं उसमें, मतलब गंदा है घर में कोई चीज़ बिस्तर वगैरह और अच्छा नहीं लगता, तो वही निकाल करके धोने के लिए निकाल लिया है। सूख भी जाएगा 2-3 घंटे में, तो वापस लगा दूंगी। और इधर बेटे के कमरे, बच्चों के कमरे में आ गई थी, तो आज मैंने निकाली है सिलाई मशीन। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि कुछ कुछ कपड़े फट गए हैं या तो उनको सेट सही से सेट वेट कर दूँ, और मेरे भी कपड़े कुछ कुछ फिट करने हैं तो उनको भी सही कर दूँ। तो यहाँ बच्चे के, तो इधर की भी एक बेडशीट निकाल ली थी क्योंकि बच्चों ने इसमें कुछ ज़्यादा ही पेंटिंग कर रखी थी तो गंदी हो गई थी। और इसके बाद इधर ईशु ने गिरा दिया था दूध, इसे भी क्लीन करने लगी। कितना भी सोच लो कि जल्दी काम कर लो, पर ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर ही देता है जिसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। और दूध गिर जाता है तो मैं एक बार तो सर्फ से ज़रूर साफ़ करती हूँ, एक बार नॉर्मल कपड़े से पोंछ लिया, एक बार सर्फ से साफ़ करूँगी। तो फाइनली आज घर का सारा काम फटाफट से निपटा ही लिया था। और फिर बेटी नीचे खेल रही थी स्कूल से आने के बाद, और इधर मैं आ गई थी उसी स्कूटी धुलवाने, और बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी क्योंकि जो भैया साफ़ करते थे मैंने अभी उनको मना कर दिया कि आप मत साफ़ किया करो, क्योंकि अच्छे से साफ़ करते ही नहीं थे। तो मैंने सोचा अगर महीने में 2 बार भी मैं बाहर से अच्छे से क्लीन करवाऊँगी तो स्कूटी काफ़ी समय तक अच्छे से साफ़ रहेगी। तो पूरा मतलब ये कवर वगैरह सब कुछ हटवा करके साफ़ करवाया था, और सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ करा था भैया ने। इधर घर के पास ही होता है तो वहीं पे करवा लिया था बिल्कुल अच्छे से, एकदम पहले नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश किया है, फिर इस तरह की फॉर्म लगा करके पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था सफाई करके। और ये इसकी डिग्गी भी खोल करके अंदर से पूरा क्लीन करवाया था, पूरा सामान एक झोले में रख लिया था, और बहुत अच्छे से सफाई हो गई थी। तो आराम से 15 से 20 दिन नई नई दिखती है स्कूटी, कुछ भी गंदगी नहीं दिखती। और सीट वगैरह अगर कुछ गंदी हो जाती तो एक नॉर्मल कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो महीने में 2 बार भी करवा लो या महीने में 1 बार भी करवाओ ना, तो स्कूटी एटलीस्ट साफ़ रहती है। और ये क्या रोज़ रोज वाले जो भैया लोग होते हैं नॉर्मल कपड़े से साफ़ करके चले जाते हैं और अंदर अंदर हाथ नहीं लगाते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे ये कुछ कुछ स्टील के रॉड्स वगैरह लगी हुई ना साइड में, इसके अंदर हाथ डाल करके नहीं साफ़ करते हैं तो वहाँ तो गंदी ही दिखती है। तो मैंने सोचा, यही डिसाइड किया कि अब से मैं बाहर ही धुलवाया करूँगी स्कूटी, 1-2 बार महीने में धुलवा लो, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कम से कम स्कूटी भी कहीं पर भी छुओ तो कम से कम हाथ में गंदगी नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छा, उसके बाद अच्छे से क्लीन कर दिया था एक बार और पानी मार करके, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पूरा अंदर से लेकर के बाहर तक अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो बहुत साफ़ सुथरी सी हो गई थी। तो बच्चे नीचे ही खेल रहे थे प्ले जोन में, इतने में मैं स्कूटी धुलवा के आ गई। और उसके बाद अभी जस्ट जितने भी कपड़े थे स्कूटी में बहुत सारे गंदे, और घर के भी कुछ कुछ थे जो डेली वाले, वो सारा मशीन में लगा दिया। अब कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करने का टाइम नहीं मिला था। मेरे बाल भी सूख गए, मैंने बाल धोए थे आज तो हवा में ऐसे ही सूख गए। तो फिलहाल पूजा कर लेती हूँ, गरम गरम पराठे इनके लिए सेक देते हैं ताकि ये खा लें, इसके बाद इनको पढ़ाई लिखाई करवानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनका कल है एग्ज़ाम। और मुझे थोड़ा सोना भी, मेरा सर दर्द हुआ जा रहा है बहुत ज़्यादा। रेडी हो चुका है मस्त वाला, मस्त खाएंगे अभी खूब सारा। तो यहाँ पे लिया है मैंने छाछ, यहाँ ली है लौकी की सब्जी बड़ी वाली, बड़ी के साथ जो बनाई है। और यहाँ पे लिए एक सैलड के लिए मूली, और कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे सूखा वाला अचार लिया है, सूरन का अचार। यहाँ पे एक ली मौसम्मी और पापड़। तो ये आज का मेरा लंच है, इतना सारा खाती हूँ मैं। और ये बच्चों का ले रखा है यहाँ पे पराठे मस्त, और ये बेटी की पसंद की सेव ली है और भिंडी की सब्जी। तो हम लोग कर लेते हैं लंच, आप भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। अभी लंच टाइम चल रहा है, और अभी बेटी के कुछ ज़्यादा ही नखरे चल रहे हैं, अभी वो आ नहीं रही है, अभी थोड़ा नाटक कर रही है, बट उसे बुलाया है कि आ जाओ जितनी जल्दी हो। तो दोपहर के बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, उसके बाद क्या था कि थोड़ा आराम कर रही थी। फिर आज मतलब एक एक दिन छोड़ के जा रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। और उसके बाद आज बेटी का था, मतलब कल बेटी का एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारियों में लग गई थी, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ यहाँ लिख दिए ताकि कुछ भी भूले ना। और बैग वैग तैयार करवा दिया है, उसे एक्चुअली रीड करवाने में ही, उसका ओरल का एग्ज़ाम है तो उसी में टाइम लग गया था, वही सब करवाया। और अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, चलते हैं सोने के लिए, टाइम से सो जाते हैं नहीं तो फिर टाइम से सुबह उठ नहीं पाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और आके काफ़ी ज़्यादा लाभ।